अगर आप कभी एक ब्यूटीफुल लोकेशन में जाना चाहते हो, आपको खुद का एडवेंचर चाहिए, देन फार लोन सेल इज फॉर यू। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्मिंग पजल गेम। इसमें होता क्या है, आप मेन प्रोटैगनिस्ट, आपको शिप को सेल करना है और उसमें भी एक पजल है। यू वांट टू स्टार्ट अ शिप, इट्स अ बिग पजल, बट व्हाट मेक्स इट ब्यूटीफुल इज द एटमॉस्फेयर। इट्स अ फुल साइड स्क्रोलिंग गेम, बट इट्स सो डैम वेयर मी। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें आपको शिप को एंड तक लेके जाना है, पूरा राइट से लेफ्ट, और जैसे जाते आपको दिखता है कि कितना ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है और ग्राफिक्स इसके बहुत ही अच्छे है। इसमें वेदर इफेक्ट्स भी बहुत सही दिखाए हैं। आप सिर्फ अकेले होते हो, आगे के स्टेज में आपको मिल सकते हैं स्पॉइलर अलर्ट, बट मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा गेम का। इसमें आपको क्या करना है, आपको शिप को एंड तक लेके जाना है और उसमें बीच में अड़चने आती है, आपको उनको सॉल्व करना है। आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड है। थोड़े पजल्स हार्ड है, थोड़े पजल सिंपल है। इट्स अ प्लेटफॉर्मिंग गेम ऑल्सो, लेकिन मुझे बहुत यूनिक एस्पेक्ट लगा इसके ग्राफिक्स। इट मेक्स मी, इट्स सो सूदिंग टू वॉच द सीनरी एज यू सेल ऑन द शिप, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ रिलैक्सिंग गेम, म्यूजिक भी बहुत सही दिया, इतना रिलैक्सिंग लगता है ये गेम खेलते हो। मैं तो बोलूँगा आप रात को मस्त नींद से पहले एक आधा घंटा खेलोगे तो अच्छी नींद आएगी। हाँ, इसके पजल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है, क्योंकि शिप को चलाना बहुत ईजी टास्क नहीं है। इसको कांस्टेंट फ्यूल लगता है, कांस्टेंट चेक करना पड़ता है स्टीम से ओवरहीट ना हो, इसको बहुत बार मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे आप लेटर स्टेजेस में जाते हो, आपको शिप को अपग्रेड भी कर सकते हो, जैसे कि शिप्स को एट द स्टार्ट विंग्स लगते हैं, फिर आपको एक टूल दिया जाता है जिससे कि आप शिप को रिपेयर कर सकते हो। फिर आगे बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें, जैसे मैं तो बोलूँगा आप सिर्फ इसको एटमॉस्फेयर के लिए गेम खेलो। ये गेम पूरा ऑफलाइन है और 500 MB का ही ये गेम है, ज़्यादा नहीं है, और ये गेम डेवलपर ने बहुत ही सही तरीके से बनाया। अभी से डेवलपर ने बहुत ही सोच समझ के ये गेम बनाया और ग्राफिक्स पे बहुत ध्यान दिया है। गेम प्ले भी सही है, मैं नहीं बोलूँगा, कंट्रोल्स थोड़े एनॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पजल प्लेटफॉर्मिंग गेम है, तो बार बार गलती हो जाती है प्लेटफॉर्मिंग में, तो इरिटेटिंग हो जाता है। लेकिन एक पजल अभी स्टार्ट में तो आप पुल को नीचे करते हो, मेरा सबसे फेवरेट सीन है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल वे से ग्राफिक्स दिखा है। इट्स जस्ट सो डैम मेसमराइजिंग, एक्चुअली बहुत मेसमराइजिंग गेम है ये। इसमें आप ग्राफिक्स को लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा इसको अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो हाई पे खेलिए, अल्ट्रा पे खेलिए ये गेम, क्योंकि इट्स वर्थ टू सी द डैम एटमॉस्फेयर। वेदर इफेक्ट्स भी सही है, जैसे कि रेनी इफेक्ट्स, स्नो इफेक्ट्स, बहुत ही सही दिखाया है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं स्क्रीन को पॉज करके सिर्फ वही लोकेशन देखता बैठता हूँ और जस्ट डैम आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड कि इस तरह के गेम्स ना अभी आ रहे हैं मोबाइल पे, थैंक्स टू द मोबाइल की जो पावर है वो बहुत ही अच्छी है अभी आजकल की। जैसे कि रॉक फोन में तो 120Hz की स्क्रीन आ रही है, 8GB रैम एक्सेट्रा। हाँ, मैं इतना बोलूँगा आपको थोड़े से पेशेंस चाहिए गेम खेलने को। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, शिप को हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम लगता है पजल सॉल्व करने में। ऑनलाइन इसके गाइड्स भी है, लेकिन मैं तो बोलूँगा आप इसको टाइम लेके खेलिए, आराम से खेलिए। पजल सॉल्व करते भी एक अचीवमेंट मिलता है, लेकिन आपको रिलैक्स भी होगा ये गेम खेलते वक्त। सच्ची में बोलूँगा बहुत ही मेसमराइजिंग गेम है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल पजल प्लेटफॉर्मिंग गेम इन 2020 फॉर मी। इससे एक ही टक्कर दे सकता है, वो है गेम्स का, लेकिन मैं बोलूँगा ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि मुझे इसके एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छे लगे, नया टाइप ग्राफिक्स दिया है।
मतलब थोड़ा डार्क ग्रिटी वर्जन दिया है, मतलब शेडो इफेक्ट्स और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, तो ये और सूदिंग लगता है आँखों के लिए भी। अभी कभी आपने इनसाइड गेम खेला है? इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रूचर पजल प्लेटफॉर्मिंग गेम एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इन द एक्सबॉक्स सीरीज। उसके टाइप का ये ग्राफिक्स है। इनसाइड आईओएस के लिए है, अभी तक एंड्रॉयड के लिए नहीं है, लेकिन इट विल बी कमिंग सून फॉर एंड्रॉयड। सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू। व्हाट्स द गेम प्ले एंड एंजॉय इट।